हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह एक बार फिर से बच्चों आपका टॉप 10 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम आपका लेकर आए हैं चैप्टर 2 का पीएस मान से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बच्चों ये आपका 2 नंबर का बच्चों फिक्स्ड होता है यूपी बोर्ड में कि आएगा ही आएगा। तो आओ इसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया है 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 1×10⁻¹ मोल लीटर है, मोल पर लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने देख लिया था कि पीएच मान रिलेटेड आपका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सर मरकरा दूबल तो बच्चों सबसे पहले हम आपका यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। तो वी हैव, मतलब बच्चों दिया है, चाहे बच्चों आप वी हैव लिखे या दिया है। तो क्या दिया बच्चों? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे लिखें बच्चों? H प्लस लिखेंगे और उसके बड़े ब्रैकेट में बच्चों क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। और बच्चों ये दिया है आपका 1×10⁻¹ मोल पर लीटर। और बच्चों मैं आपको बता दें, मोल पर लीटर दे या मोलर दे, दोनों का मतलब एक ही है। हम आपको बच्चों बता दें कि चाहे आपका मोल पर लीटर दे या मोलर दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों ये दिया है और आपसे क्या पूछा है? विलयन का पीएच मान बच्चों क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको हमने इसके पहले आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था हमने? बताया था बच्चों, हम जानते हैं कि जो पीएच मान होता बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक कि क्या होता बच्चों? बराबर होता है। तो यही अगर लाग हम पीएच के साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ इक्वल टू क्या बच्चों? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? तो देखिए 10⁻⁶ 10⁻⁶ इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों क्या दिया है? 1×10⁻¹। मतलब अगर इसे मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 10⁻⁶ कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो कितना आएगा बच्चों? 10⁻⁶। अगर बच्चों देखिए आधार आपका समान है ना, आधार आपका समान है तो इक्वेशन नंबर बच्चों इसे हमने एक मान लिया। क्या मान लिया? एक मान लिया। चूँकि इक्वेशन एक के आधार बच्चों आधार समान है तो ये आधार समान है तो आधार से आधार कैंसिल। तो 10⁻⁶ इक्वल टू क्या बच्चों? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो पीएच इक्वल टू क्या है बच्चों? 10। तो बच्चों आपके पीएच का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अगर आपको पूछ ले बच्चों कि यह आपका विलयन अम्ली होगा कि क्षारी कि उदासीन होगा बच्चों, तो आपको हमने एक पीएच स्केल बनवाया था कि जहाँ पर बच्चों अगर आपकी वैल्यू 7 होगी तो उसके लिए हमने बताया था आपको क्या? उदासीन। और 7 से ज़्यादा होगी बच्चों 14 तक तो उसके लिए बच्चों हमने लगवाया था आपको क्या? क्षारी। अगर यही बच्चों ने बताया था कि यही वैल्यू आपका ये 0 से लेकर के 7 तक लाई करे, कहाँ से बच्चों? 0 से लेकर कहाँ तक? 7 तक, 7 से पहले तक बच्चों, 7 तक नहीं, 7 से पहले तक लाई करें तो यही बच्चों आपको क्या होगा? अम्ली। अच्छा आप बताइए बच्चों ये स्केल देख करके क्या आपका पीएच मान, आपका पीएच मान कहाँ पे लाई कर रहा है? 0 से लेकर के 7 तक नहीं, 7 से लेकर के कहाँ तक लाई कर रहा है बच्चों? 10 है। मतलब 7 और 14 के बीच में कहीं यहाँ पर जाकर के आपका 10 मिलेगा बच्चों। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो क्या है?
बेसिक है बच्चों, क्षारी है, तो इसलिए अगर आप प्रकृति लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारी प्रकृति होगी। प्रकृति क्या है बच्चों आपकी, क्षारी प्रकृति होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम आते हैं आपके बच्चों सेकेंड न्यूमेरिकल पर, वह हम कैसे करेंगे, आओ इसके विषय में देखें। तो यहाँ पर बच्चों कहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^-6 मोलर है। ईएम का मतलब क्या है बच्चों, देखिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कुछ बातें, चाहे बच्चों आपको ईएम लिख दे या क्या लिखे, मोल पर लीटर। दोनों का मीनिंग बच्चों क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि ये बच्चों आपकी यूनिट है, ये बच्चों आपके मोलर के क्या है, यूनिट है, मतलब दोनों चीज़ें क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो फिर वही क्वेश्चन बच्चों, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे बच्चों, तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है बच्चों वो कितनी है आपकी, 10^-6 मोलर है। और आपसे बच्चों पूछ क्या रहा है, पीएच मान बता दीजिए आप। तो अभी फार्मूला बच्चों आपने लिखा है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या 10^-pH इक्वल टू क्या बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो आप बताइए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे रखा है, 10^-6, तो 10^-pH इक्वल टू क्या बच्चों, 10^-6। क्या आधार समान है, अगर आधार समान है तो -pH इक्वल क्या, -6 माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चों क्या आ गया, pH इक्वल टू 6। अच्छा तो आप बताइए कि pH का मान कितना आया, 6 आया है ना, तो कहाँ पर लाई करेगा, 7 और 0 के बीच में लाई करेगा बच्चों, तो लगभग यहाँ पर कई बार लाई कर, लगभग यहाँ पर लाई करेगा, तो ये क्या, ये कौन सा रेंज है, अम्ली रेंज है। तो आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों, अम्ली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अम्ली। तो ये आपका 2 न्यूमेरिकल हो गया बच्चों। अगर थोड़ा सा भी टफ करना चाहेगा आपका आंकी, तो यहाँ पर इस प्रकार से पूछ देगा कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रता 4.0 मतलब 4×10^-9 मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान व प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दिया है, दिया है क्या बच्चों, हाइड्रोजन आयन की मात्रा मतलब उसकी सांद्रता कितना दिया है, 4.0×10^-9 मोल पर लीटर, और पूछा है बच्चों पीएच मान क्या होगा। तो आपने बच्चों पढ़ रखा है फार्मूला, सूत्र क्या जानते हैं आप, पीएच के लिए पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। कभी भी फार्मूला ये वाला बच्चों मत लगाइएगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वर्क यहाँ पर नहीं करेगा, फिर आपको ले जाना लॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यही फार्मूला हमेशा अप्लाई कीजिए। ये इक्वेशन नंबर बच्चों हम 1 मान लेते हैं इसे। अब इक्वेशन 1 में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान रखने पर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान रखने पर, रखिए बच्चों क्या आएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग 4.0×10^-9। क्या इतनी बातें आई समझ में। और बच्चों आपने कुछ फार्मूला इससे पहले पढ़ रखा होगा क्लास 9th में लॉग का, यहाँ बच्चों आपको फार्मूला कुछ लिख रहे हैं, लॉग एम एन का फार्मूला क्या था बच्चों, लॉग एम प्लस लॉग एन। और यही बच्चों अगर आपका लॉग एम पावर एन होगा तो फार्मूला क्या होगा, एन लॉग एम। तो ये फार्मूला बच्चों आप लर्न कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ये बना सकता है बच्चों। अच्छा ये बताइए बच्चों, ये लॉग है, ये एम और ये एन, ये बच्चों क्या दे दिया आपका, यम दे दिया, और ये क्या दे दिया आपका, यम दे दिया। तो लॉग यम प्लस लॉग एन, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग
4.0 या 4 ही लिखते बच्चों, प्लस। अब माइनस, और बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहला आपको माइनस बाहर ही रखते हैं, तो माइनस को बच्चों हमने बाहर रखा, तो लाग एम एम का लाग एम प्लस लाग 10^-9, तो ये आ गया बच्चों। अगर इसको आप सॉल्व करें तो पी एच बराबर माइनस, अगर बच्चों इसे पावर के रूप में लिखना चाहे तो 2^2 लिख सकते हैं ना लाग 4 को, तो क्या लिखेंगे लाग 2^2 प्लस लाग 10^-9। बच्चों आप बताइए कि आपका लाग एम पावर एन का फार्मूला क्या होता है, ये एम हो गया और ये क्या हो गया आपका एन हो गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है एन लाग एम होता है, क्या होता है एन लाग एम। तो बच्चों तो पी एच बराबर क्या आ गया माइनस ब्रैकेट में 2 बच्चों पहले आ जाएगा, तो 2 लाग 2 क्या है बच्चों 2 लाग 2 प्लस, और बच्चों एन लाग एम मतलब माइनस 9 और बच्चों लाग 10, ये बच्चों आपका आ गया। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो पी एच बराबर क्या आ गया माइनस 2 लाग 2 प्लस माइनस बच्चों माइनस 9 और लाग 10। अगर बच्चों कोई बेस दिया तो ठीक, अगर बेस आपका 10 दिया फिर भी ठीक, तो बच्चों यहाँ पे लाग 10 या इसको हम कह सकते हैं लाग 10 या लाग 10 बेस 10 वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होती है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए आप 1 होती है, लाग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। और बच्चों आपके क्वेश्चन में दिया होगा लाग 2 का मान जो क्या होता है 10.3010 होता है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि लाग 2 का मान कितना होता है। तो आइए बच्चों आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों पी एच बराबर अंदर से गुणा करें बच्चों माइनस 2 लाग 2 का मान कितना होता है बच्चों देखिए 0.3010 और माइनस बच्चों 9 करना 9 और माइनस का अंदर गुणा करें तो बच्चों क्या हो जाएगी ये प्लस हो जाएगी, या पी एच बराबर 2 का गुणा 0 में 0 आ गया बच्चों, 2 का गुणा 1 में 2 आ गया, 2 का गुणा 3 में 3 6 आ गया, और बच्चों एक मिनट फिर से बच्चों अगर 2 गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 2 गुणा 1 में 2 आ गया, 2 का गुणा 0 में 0 और 3 दुनी क्या आ गया बच्चों 6 आ गया, और 10.10 आ गया बच्चों यहाँ पर क्या का माइनस है और बच्चों यहाँ पर क्या 9 है। अगर बच्चों आप इसे ऐड करेंगे, इसको बच्चों आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा बताइए, ये बच्चों 9 हमने यहाँ पर क्या डेसिमल 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो हमने 4 0 बढ़ा लिया, और इसको ऐड करें बच्चों तो 9 ऐड तो होगा नहीं बच्चों आपका क्या ये माइनस है, अगर आप इसे प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आप इसको बच्चों यहाँ पर हम घटा लेते हैं फिर डायरेक्टली आपका आंसर लिखते हैं, तो क्या आ रहा है बच्चों 9000 और यहाँ बच्चों घटाना क्या है 0.60 और बच्चों क्या है 20 और इसको क्या बच्चों माइनस है इसके आगे ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी घटानी पड़ेगी, और बच्चों यदि आप इसका घटाएंगे तो क्या आएगा 10 0 में से 0 के 0 यहाँ बच्चों एक कैरी देगा, इससे 9 इसको कैरी देगा 10 हुआ, 10 ये कैरी लिया ये 9 हो गया ये 10 हो गया, इससे फिर लिया ये 9 हो गया ये 10 हो गया ये 9 हो गया, इससे कैरी लिया आगे तो कैरी लेगा ना बच्चों, ये क्या आपका 10 है 10 लोगे 8 ये क्या बच्चों 9 तो ये 9 आ गया और 9 से 6 गया बच्चों क्या है 3 आ गया और 10 लोग क्या आ गया 8 आ गया बच्चों, तो जो आंसर आया वो कितना है बच्चों 8.3980 ये क्या आ गया बच्चों आपका पी एच मान आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ये अम्ली होगा कि क्षारी, तो क्या बच्चों 8 से ज़्यादा है ना मान, अगर आपका 7 से ज़्यादा तो क्या कहते हैं क्षारी कहते हैं, तो ये बच्चों आपको क्या हो गया क्षारी हो गया।
तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका क्षारीय हो गया। तो ये चीज़ बच्चों आप याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको फार्मूले याद रखने, बाई फार्मूला यू कैन सॉल्व बच्चों। तो ठीक है, अब हम आपका कुछ ट्रिक बता देते हैं। अगर बच्चों आपको सूचक के बारे में, किसके बच्चों सूचक इंडिकेटर के बारे में बच्चों पूछे, तो तीन इंडिकेटर आपसे पूछता है बच्चों, या तो लिटमस पेपर पूछेगा, लिटमस पेपर, क्या बच्चों लिटमस पेपर। और आपको पता है लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक नीला होता है और एक क्या होता है आपका लाल होता है, लाल होता है। और आपको पता है कि जो नीला होगा बच्चों वो किस में वर्क करता है, अम्ल में वर्क करता है, तो हमेशा एक बच्चों दो प्रकार के होंगे, एक नीला होगा और एक क्या होगा आपका लाल होगा। और जो नीला होगा बच्चों किस में वर्क करता है, लाल में, सॉरी अम्ल में वर्क करता है। अब ये आप कैसे बताएंगे बच्चों, क्योंकि आपने कैसे ज्ञात तक पढ़ रखा होगा, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, न पहले आता है, और आपने चैप्टर में सबसे पहले अम्ल पढ़ा है, तो अम्ल आपने सबसे पहले पढ़ा है। और कैसे ज्ञान में सबसे पहले न से पहले क्या आ जाए, ल से पहले बच्चों क्या आता है, ना आता है, मतलब इसके लिए बच्चों ना आया, मतलब लिटमस पेपर कौन सा वर्क करेगा, इसमें नीला करेगा। और अम्ल के बाद बच्चों क्या पढ़ा था, आपने क्षार पढ़ा था, और क्षार के बाद बच्चों तो क्षार नस के बाद कौन सा लिटमस पेपर आएगा, ल आता है, ल आपका लेटर आएगा बच्चों, ल मतलब क्या हो गया आपका क्षार हो गया। तो मतलब आपके दो प्रकार के लिटमस पेपर जो वर्क करेंगे, अम्ल में कौन वर्क करेगा तो नीला, और क्षार में वर्क कौन करेगा बच्चों लाल। तो अगर नीला लिटमस पेपर होगा बच्चों, अगर इसी को आपने क्या डाल दिया, अम्ल में डाल दिया, तो नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, लाल में। और लाल लिटमस पेपर अगर बच्चों आपने क्या क्षार में डाल दिया इसको, तो किस में चेंज होगा बच्चों, नीला में। ये बच्चों याद रखिएगा, क्या नीला, अगर यही नीला लिटमस पेपर होता बच्चों और इसको हम क्षार में डालते तो कोई भी इफेक्ट ना होता, कोई भी रंग परिवर्तन ना होता, तो ये इसके लिए है। और दूसरा बच्चों आपका फिनाफ्थलिन, और फिनाफ्थलिन का रंग क्या होता बच्चों, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था बच्चों, फिरंगी, क्या था बच्चों आपकी फिरंगी। अब फिरंगी से क्या मतलब निकला बच्चों, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं फिर से एक बार, फिरंगी, फी से बच्चों फिनाफ्थलिन, फी से क्या बच्चों आपका फिनाफ्थलिन होगा। और सबसे पहले बच्चों आपने क्या पढ़ा, अम्ल पढ़ा है ना, सबसे पहले चैप्टर आप अम्ल पढ़ते हैं, तो रंग से क्या होगा बच्चों, रंगहीन, मतलब अम्ल में जो फिनाफ्थलिन का रंग होगा बच्चों क्या होगा, रंगहीन होगा। और इसके बाद बच्चों क्या है, घी आ गया, और घी से क्या था बच्चों, गुलाबी, क्या था आपका गुलाबी, और गुलाबी किस में होगा बच्चों, क्षार में। तो फिनाफ्थलिन का रंग बच्चों आ गया, अगर आपका फिनाफ्थलिन होगा, अगर आपका अम्ली विलयन है बच्चों तो रंगहीन, और यदि क्षारी विलयन है तो क्या होगा बच्चों, क्षार है तो गुलाबी होगा। और बच्चों एक आता है आपका मेथिल ऑरेंज, क्या बच्चों मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, तो बच्चों मेथिल ऑरेंज, इसके लिए बच्चों आपने ट्रिक बताया था हमने आपको, मलप्पा, क्या था बच्चों मलप्पा, और मैं से बच्चों क्या आ जाता आपका मेथिल ऑरेंज, और ल से बच्चों क्या आ जाता, सबसे पहले आपने अम्ल पढ़ा है ना, अम्ल, तो ल से बच्चों क्या हो गया लाल, मतलब मेथिल ऑरेंज अम्ली विलयन में कैसा होगा, लाल होगा। और पा से बच्चों क्या हो गया पीला, मतलब क्षारी विलयन में क्या होगा, ये पीला होगा। अगर आपका विलयन क्या है क्षारी है तो क्या होगा, पीला होगा। और यदि बच्चों आपका अम्ली है तो आपका क्या होगा बच्चों, लाल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये सूचक आप पढ़ के जाइएगा बाय ट्रिक, और इसे बच्चों कुछ नहीं करना, क्या याद रखना है, कैसे ज्ञातक की चीज़ें, और फिरंगी, और बच्चों मलप्पा, इसके आधार पर आप आसानी से बच्चों टिक कर लेंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।